हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमजी भाई। जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं आज दिखाने वाला हूँ सोनी प्लेस्टेशन पीएसपी को, जिसमें आपको दिखाऊंगा कौन कौन से उसमें वर्जन आते थे हमारे पास और कौन कौन से इस टाइम अब आने बंद हो गए, और आपको मतलब कौन कौन से वर्जन उसमें गेम्स मिल सकती हैं और कहाँ से मिलता है, मैं सब चीज़ें आपको बताऊँगा। और उसके साथ साथ क्या क्या सामान आता था, यूएमडी आती थी, कौन कौन से उसमें चार्जर लगते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए दोस्तों, ये जितने भी पीएसपी के सारे मॉडल आते हैं, ये सारे के सारे आपको दिख ही रहे होंगे। इसमें सबसे जो फर्स्ट मॉडल आता है वो मैंने देखिए ये रहा, ठीक है। इसके सिस्टम में अगर हम जाते हैं, जैसे मैंने अभी खोला हुआ था इसका सॉफ्टवेयर, सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाएंगे, देखिए आप वर्जन इसका 4.0.5 है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला मॉडल है ये, इसलिए अगर आप इसकी बैटरी भी देखेंगे तो इसकी बैटरी भी मतलब बड़ी होती है। ये देखिए इसकी बैटरी में और जो दूसरा पीएसपी होता है उसकी बैटरी में बहुत फ़र्क होता है, देखिए कितनी छोटी बैटरी है इसकी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मॉडल है पीएसपी 1000 मॉडल, जो इस टाइम ये अब शायद बहुत ही कम लोगों के पास हैं और ये मिलते भी नहीं हैं अब जल्दी से। अगर आप चाहोगे तो किसी के पास मिलेगा नहीं, और ये एक समझ लो एक रेयर पीएसपी के लिए है। उसकी कंडीशन देखिए आप कितनी अच्छी है, ठीक है। ये तो आपका 1000 हो गया। इसमें ना अगर आप इसमें गेम्स चलाना चाहते हैं तो उसको भी जेल ब्रेक करना पड़ता है। जितने ही पीएसपी हैं सारे पीएसपी को जेल ब्रेक करना पड़ता है अगर आप इसमें मेमोरी कार्ड से गेम चलाना चाहते हैं तो जो ये वर्जन है इसमें यही वर्जन की गेम्स चलती हैं, बाकी चल सारी जाती हैं। जैसे आपके गॉड ऑफ वॉर हो गए, सारी जो भी पीएसपी की जितनी गेम होती हैं सब चल जाती हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो आपका फर्स्ट मॉडल, और ये है आपका सेकंड, ये 2000 मॉडल है। आप इसका वर्जन देखिए, मैंने वर्जन खोला हुआ है इसका भी, सिस्टम का सिस्टम सॉफ्टवेयर 5.50, ठीक है। इसके अगर आप इसमें भी गेम्स चलाना चाहते हैं तो वही इसके वर्जन की गेम्स डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए उसमें क्या था, ये इसका देखिए, ये तो थोड़ा फेट मॉडल होता है, देखिए आप देख सकते हैं इसको, ये थोड़ा स्लिम में है। बट इसमें क्या है, ये 2000 मॉडल होता है, 2000 मॉडल में क्या है इसमें भी कुछ कुछ गेम्स नहीं चल पाती, तो इसमें भी जेल ब्रेक करना पड़ता है इसको, ठीक। और बाकी UMD तो आप सब में लगती ही है, आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। इसमें भी UMD लग जाती हैं, इसमें चलो थोड़ा अलग होता है और इस वाले में अलग होता है, ठीक है। और यहाँ इसका मेमोरी कार्ड लग जाता है, ठीक है, उसमें भी मेमोरी कार्ड लग जाती है, सब कुछ सेम है, ठीक है। और बाई चांस अगर आपको जैसे को अपडेट करना है तो अपडेट भी हो जाता है। इसमें वाईफाई का भी एक ऑप्शन है, अगर आप इसमें जाएंगे 2000 मॉडल में वाईफाई भी मिल जाता है आपको। देखिए दोस्तों, ये है 3000 मॉडल। इस मॉडल को सबसे अच्छा मॉडल मानते हैं क्योंकि इसमें आप कनेक्ट तो लेटेस्ट वर्जन जो है इसका लेटेस्ट होता है, इसमें आप सारी गेम्स चल जाती हैं आराम से, ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं आ पाती इसमें। और इसका इसमें एक फ़ायदा और होता है, इसमें वाईफाई भी होता है, और इसमें एक फ़ायदा ये होता है जैसे अगर आप अगर इसको टीवी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो टीवी से भी कनेक्ट हो जाता है। ये जो देखिए ये स्लॉट है ना, इसमें एक वायर लगती है जो आपकी ऑडियो वीडियो टीवी की जो वायर होती है उसमें कनेक्ट हो जाती है, जिससे आप इस पीएसपी के डिस्प्ले को उसमें देख सकते हैं और उसमें अपने वीडियो गेम को मतलब बड़ी तस्वीर के मतलब समझ लीजिए जैसे बड़ा हो जाता है पोस्टर आपका, वही है और कुछ नहीं, बाकी आपकी ऑडियो वीडियो उसमें चल जाएगी तो आप उसमें देख सकते हैं। और जो इसका वर्जन है मैं आपको वर्जन दिखा देता हूँ इसका, ये देखिए 6.65 इसका वर्जन है, और ये मतलब अच्छा वर्जन है एक, जिसमें आप अच्छे अच्छे गेम चला सकते हैं, और इसमें भी मेमोरी कार्ड यहाँ लगता है। और इसके पीछे ये देखिए पैनल, आपको 2000 और इसमें फ़र्क दिखा देता हूँ मैं, क्या फ़र्क होता है देखिए। 2000 में क्या है, आपका जो इसका लोगो है थोड़ा चौड़ा है और ये थोड़ा स्लिम होता है, 3000 में और 2000 में ये फ़र्क होता है। और बाकी आप जो 1000 है बाकी तो आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी थोड़ा चौड़ा है, मगर इसमें तो ये थोड़ा फेटी होता है और ये बहुत ही स्लिम मॉडल एक होता है, ठीक है आप देख सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ये है हमारा सबसे लेटेस्ट मॉडल, ये है E1000 4 2A। इसमें 3D मॉडल भी आता है, ये मेरे पास 3D तो नहीं है मगर ये है, और आप देखेंगे सबसे लेटेस्ट वर्जन इसका ही होगा। आपको मैं वर्जन दिखाता हूँ इसका, सेटिंग्स में जाके देखिए सिस्टम इंफॉर्मेशन, देखिए 6.60।
और ये सबसे अच्छा होता है। बट इसमें एक ही कमी है, इसमें वाईफाई नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं जैसे वाईफाई से कनेक्ट करना, तो वाईफाई से आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी इसका जो बैटरी लाइफ होता है सबसे अच्छा होता है इसमें। आप बैटरी, एक तो बैटरी फिक्स नहीं होती है इसके अंदर, जैसे और PSP मैंने आपको दिखाया उनमें दूसरी बैटरी होती हैं, तो आप इसमें बैटरी नहीं होती इसमें, मतलब बैटरी जो होती है इनबिल्ड ही होती है, जैसे आजकल फ़ोनों में आती हैं। पहले जैसे फ़ोनों में आती थी बैटरी निकाल सकते हैं, मगर इसमें इनबिल्ड होती है। आप देखेंगे यहाँ पर इसका बैटरी लगा हुआ है अंदर, और इसकी कंडीशन भी देखिए कितनी अच्छी है, ठीक है। और इसका जो मेमोरी कार्ड है वो यहाँ लगता है, मगर इसमें थोड़े फीचर्स कम हैं। आप इसको TV से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो आपका 3000 मॉडल होता है वो सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि तो उसमें वाईफाई भी होता है, जैसे आपको अपडेट करना है तो अपडेट भी हो जाता है वो, और आप अगर TV से कनेक्ट करना चाहते हो तो TV से भी कनेक्ट होता है। ये TV से कनेक्ट नहीं होता, मगर इसका बैटरी के लिए मैं कह सकता हूँ बैटरी लाइफ के लिए सबसे अच्छा PSP यही होता है। अगर आपको यूज़ करना है तो बैटरी के लिए सबसे अच्छा यही होता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी बैटरियाँ लगती हैं किस किस में, आइए दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये हमारी 3000 और 2000 दोनों में लग जाती है वाली बैटरी, देखेंगे आप। थोड़ा मतलब ब्लर हो रही है मगर दिख नहीं पा रही ठीक से, पे लिखा है देखिए सोनी PSP बैटरी 3.6 वोल्ट 1200 mAh, और ये जो वाली जो है 3.6 वोल्ट और 1800 mAh में आती है ये बैटरी। मगर जो ये बैटरी है ये 1000 की, तो 1000 में लगेगी क्योंकि इसका ये फेट मॉडल होता है, तो फेट में लगती है, और ये स्लिम मॉडल में लगती है। और फिर भी इसका बैटरी कब पे कभी, मतलब ये तो खैर कॉपी है, आप अगर ओरिजिनल होती है ओरिजिनल 4 घंटे तक बैटअप बैकअप दे देती है, और ये आपका जो है ये करीब 2 घंटे निकाल देती है ये भी, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी इनके चार्जर कौन कौन से चार्जर्स आते हैं दोनों के लिए। ये देखिए ये इसका चार्जर है PSP का, ये आप किसी मॉडल में लगा सकते हैं 1000 2000, ये सारे चार्जर क्या है किसी में भी लग जाते हैं, कुछ भी थोड़ा सा बहुत भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये है ये 5 वोल्ट का है, 1500 mAh का अडेप्टर जो है, देखिए आप देख रहे हैं। और ये पूरी मतलब एक सिंगल वायर आता है, और इसमें जो दूसरा चार्जर है मैं वो आपको दिखाता हूँ। देखो ये तो ये हो गया हमारा, और एक चार्जर हमारा है ये भी आप देख सकते हैं उसको, ये 5 वोल्ट का है और है 2000 mAh का है, ठीक है। ये भी इसमें दो मॉडल भी आते हैं, इसमें एक मॉडल आता है जो अलग निकल जाता है, मतलब आप इसको केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, ये तो फिक्स फायर वाला है, एक अलग भी आता है, बट मेरे पास अभी यही है तो मैंने आपको यही दिखाया है, ठीक है। अब ये इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ UMD, जो इसमें CDs लगती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, देखिए आप। ठीक है, ये CDs होती हैं, ये देखिए दोस्तों, ये हैं UMD जो इसमें चलती हैं, जैसे जो इसकी CDs होती हैं वो ये होती हैं। आप इससे भी गेम्स खेल सकते हैं, मगर इससे खेलने कुछ फ़ायदा नहीं होता, थोड़े टाइम बाद ये ना आपका गेम ना मतलब अटकने लग जाती है, क्योंकि घिस जाती हैं तो अटकती है गेम इसमें। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपका मेमोरी कार्ड है, आप मेमोरी कार्ड से गेम्स खेलिए, उसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है। एक तो आपको बार बार ना UMD बदलनी नहीं पड़ती, और इसमें ना आपकी जब UMD लगाते हैं तो आवाज़ ही बहुत करता है हमारा PSP, ठीक है दोस्तों। ये कुछ ऐसी आती हैं, हाँ जी दोस्तों, तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, और अगर आप चाहते हैं जैसे PSP कहाँ से मिलते हैं और इसकी बैटरी वगैरह इसका सामान कहाँ से मिलता है, तो आप मैं तो दिल्ली से हूँ, खैर अगर आप कहीं से भी हैं, मैं दिल्ली में आपको बताता हूँ, दिल्ली में आपको लाजपत राय मार्केट है दिल्ली में जो लाल किले के पास है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, और अगर किसी को रिपेयरिंग करानी है तो वहाँ से भी रिपेयर करा सकते हैं, नहीं तो फिर पालिका बाज़ार है, पालिका बाज़ार से भी आप करा सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ 1-2 बंदों के नंबर भी डाल दूँगा उसमें, अगर आपको चाहिए तो। और अगर आप चाहते हैं इसमें गेम्स कैसे डलती हैं तो मैं बता सकता हूँ, कोई जेल ब्रेक करना ही बता सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो नेक्स्ट में आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, हो सकता है मैं आप जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें दिखाऊंगा आपको कि जेल ब्रेक कैसे करते हैं इसको, इसमें अपने अपने जो इसका वर्जन होता है उसमें कौन कौन सी वर्जन से गेम कैसे डालते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसे प्यार बढ़ाते रहिए अपना, और लाइक कीजिए।